हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बॉल फिश करी, जो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से वो भी घर के मसाले से टेस्टी हेल्दी फिश करी कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी बना रही हूँ आज जल्दी जल्दी। तो माँ सबसे पहले बॉल फिश अच्छी तरह से साफ़ करके काट लिए है। उसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और सरसों का तेल देकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। और एक कढ़ाई में प्याज और सरसों का तेल दे दिए है और थोड़ी सी जीरा और सारे फ्राई कर रही है। आज मैं बहुत ही जल्दी जल्दी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैं पहले सब काटना वगैरह धोना मसाला देना और सब वीडियो नहीं किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बॉल फिश में दो तीन बार मैंने शेयर किए हैं। आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग भी देख सकती है मेरी रेसिपी को बॉल फिश करी की या बॉल फिश भुना की। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे इसी तरह से फ्राई करने के बाद प्याज हरी मिर्च इसके बाद इसमें फिश दे दिए हैं और 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनना है फ्लेम हाई रखकर। और ये फिर बहुत ही नरम होती है, इसीलिए ज़्यादा नहीं पकाना है। पहले पानी देने के बाद पकाएंगे। सिर्फ 7 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम में भून लिए है सारे मसाले के साथ। पहले मसाला के साथ फिर अच्छी तरह से मिक्सी को 10 मिनट तक रख दिए थे, उसके बाद बनाया है। और देखिए 4-5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें पानी दे दिए हैं। आप लोग मिर्ची का पाउडर भी थोड़ी सी दे सकती है काला आने के लिए, या कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी दे सकती है। बहुत ही सिंपल और हेल्दी तरीके बना रही है, इसीलिए इसमें हरी मिर्च दे दिए हैं। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी सी कम करके दे दिए है, इसीलिए इस तरह से लग रही है। और देखिए पानी दे दिए है, पानी में बॉयल आ चुकी है। अभी ढक के पकाएँगे। देखिए फ्रेंड्स, 4-5 मिनट तक ढक्कन देके पकाया है, उसके बाद ढक्कन हटा के फ्लेम हाई करके पकाया है। ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ी सी कोशा टाइप की बना रही है और बहुत ही टेस्टी लगती है उस तरह की बॉल फिश की रेसिपी, बॉल फिश की करी या कोशा आप लोग जो भी बोल सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, लगभग बॉल फिश हमारी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली बॉल फिश करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। थोड़ी सी ठंडा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली बॉल फिश करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी काला रही है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से गर्मा गर्म राइस के साथ आप लोग खा सकती है। आप लोग देख कर ही बोल सकती है कितनी स्वादिष्ट बनी है। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी सी कम करके दिए है, इसीलिए काला ऐसी लग रही है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं है, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके से। आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आज की बॉल फिश की रेसिपी घर के मसाले के साथ बहुत ही सिंपल और कम मसाला से मैंने बना के दिखाया है, आप लोगों को कैसी लगी। अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।